हेलो आवाज आ रही है हां जी बच्चों अभी बताइए जरा वॉइस इश्यू सॉर्ट आउट हो गया है सो क्विकली लेट मी नो एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू जल्दी बताइएगा जरा एंड हेलो हाय यस बच्चों ने कंफर्मेशन दे दिया है बिल्कुल आवाज़ क्लियरली आ चुकी है टेक्निकल ग्लिच क्लियर हो चुका है नाइस वेरी गुड चलो निशित ने कंफर्म किया है कि वॉइस ओपी हेलो मैम कैसे हो बच्चे पूछ रहे बिल्कुल बढ़िया बेटा आप बताओ कैसे हो हाउ इज एवरीथिंग गोइंग एंड आई होप तैयारी ठीक चल रही है पढ़ाई एग्जाम्स आप आने वाले हैं आपके बट जैसे ही आपने नोटिफिकेशन भी देख लिया होगा अब आपके पास काफ़ी वक्त है प्रिपरेशन का यस yes. So, बहुत ही बढ़िया हेलो अनुराग सिंघल हेलो टू एवरी बडी आउट जितने भी बच्चे आ रहे हैं सभी लोग जुड़ जाइए क्योंकि आज कुछ खास है होने वाला आज हम एक लेसन की बात करेंगे जिसमें इच्छाओं का जिक्र है यस अ विश हर इंसान की कोई ना कोई इच्छा होती है कुछ करने की कि लाइफ में मुझे ये करना है वहां जाना है ऐसी जगह देखनी है एक विश सबकी होती है सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्मॉल गर्ल हु विश इच्छा कुछ करने की अब वो क्या इच्छा है कौन है वो लड़की एग्जैक्टली exactly क्या चाहती है वो क्या उसकी इच्छा पूरी होती है इन सभी सवालों के जवाब हम ढूंढने वाले हैं हमारे लेसन मैडम राइड्स द बस में बहुत ही मजेदार प्यारा सा लेसन है ये ओके सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस लेसन ओके बहुत ही बढ़िया जा रहे हो ओके okay, चलो चलो सारे बच्चे जुड़ते चले जा रहे हैं एंड एग्जैक्टली exactly एक मिनट में हम शुरू करेंगे उस सफर की शुरुआत जिसमें आज बहुत कुछ है खास पहले इस पूरे लेसन को अच्छे से समझ लेना है और इस लेसन में से जिन वर्ड्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं स्पेसिफिकली उन डिफिकल्ट वर्ड्स का भी मैं आपके लिए जिक्र करने वाली हूँ जो आपके काम आएंगे एंड यस yes, आज है बहुत कुछ खास हम प्रॉपरली लेसन की अंडरस्टैंडिंग करने के बाद जब हमें लगेगा कि आ गया है सब समझ में आफ्टर अंडरस्टैंडिंग टू राउंड कुछ सवाल पूछे जाएंगे पूजा मैम भी होने वाला है। सो so, प्लान बिल्कुल तैयार है ओके okay, अब बस एग्जीक्यूशन की देर है इस असरदार प्लान को और भी ज्यादा बेहतर बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा आपका साथ अस फूगेदर विल मेक दिस लेसन अ वंडरफुल एंड ए बेटर एक्सपीरियंस चलो बहुत ही बढ़िया yes. अलग अलग, अलग, -अलग बातें करते हुए पढ़ने वाले हैं समझने वाले हैं तो बता दो बेटा जैसे कि मैंने कहा एक प्यारी सी छोटी सी एक बच्ची की ये कहानी है जिसकी लाइफ में एक इच्छा है अब वो इच्छा क्या है वो इच्छा उसकी पूरी होती है कि नहीं ये हम जानने वाले हैं इस लेसन में तो बेटा आशाएं इच्छाएं तो सबकी होती है ना खुले दिल की एक छोटी सी आशा जो हम चाहेंगे वो जरूर पूरी हो है ना छोटी सी आशा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन को सो वी समथिंग हम सबका एक मन होता है और वो चाहता है कुछ करना डियर स्टूडेंट सबके मन में इच्छा होती है कुछ कर गुजरने की ओके सो चलिए देखते हैं इस बच्ची की इच्छा क्या थी इस बच्ची का नाम क्या था वो कहाँ से है और क्या थी उसकी इच्छा जो आखिर में जाकर पूरी भी हुई चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस लेसन की जिसका नाम है मैडम राइट द बस क्या है हमारे लेसन का नाम बच्चों मैडम राइट बस कौन है ये मैडम क्या ये गाड़ी चला कर जा रही है बस चला कर जा रही है नहीं नहीं कहानी पढ़ेंगे फिर समझ में आएगा कि ये नेम कैसे सूटेबल है इस लेसन का चलिए शुरुआत करते हैं बहुत ही बढ़िया ग्रेट गोइंग जैसिका ने तो उम्र भी बता दी है बच्ची की ओके राधे राधे जय श्री श्याम बहुत ही बढ़िया ओके नीव से भी कुछ अच्छे बच्चे आए हुए हैं बहुत ही बढ़िया लगा जानकर बहुत ही बढ़िया सो so गाइस एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपनी अपनी मन की इच्छाएं हम सभी पूरी कर पाए इसी पॉजिटिव होप के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के लेसन को एंड लेट्स नॉट वेस्ट इवन अ सेकंड एंड स्टार्ट ये लेसन किस पर बेस्ड है ध्यान से देखेगा एक आठ साल की लड़की इट इज अबाउट एन एट ईयर ओल्ड एट ईयर ओल्ड गर्ल उस छोटी सी बच्ची की क्या उम्र है बेटा आठ साल और जिसका नाम है वली ओके okay? अगर आपसे पूछा जाए क्या नाम है उस बच्ची का नाम है बेटा वली अमा क्या नाम है वली और इसका निकनेम है वली जैसे घर घर का नाम होता है ना सबका सबका होता है घर का प्यारा नाम होता है तो वो घर का प्यारा नाम इस बच्ची का है निक नेम जिसे हम कहते हैं वो है वली ओके यस सो माय डियर स्टूडेंट्स वली का निक नेम है वली और इसके साथ क्या है ना यहां पर ये रहती है उस गली में ज़्यादा उसकी उम्र के लोग नहीं है तो ज़्यादा ना उनके साथ खेल कूद नहीं कर पाती है वही सभी आप जानते हो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि ना हमारी उम्र हमारे एज ग्रुप के बच्चे ना होने की वजह से बोर हो जाते हैं हम खेलने को नहीं मिलता सेम इसके साथ भी हो रहा था बट आपको क्या लगा ये बोर होगी ना जी ना इसे जो पसंद था इसका जो फेवरेट पास टाइम था वो था अगर आप देख पा रहे हो अपने घर की चौकट के बाहर खड़े होके बाहर की चीज़ें देखने का ओके okay? और वो रोज़ बढ़िया टाइम स्पेंड करती थी और उसको कोई बुरा नहीं था बुरा नहीं लग रहा था कि मेरे दोस्त नहीं है शी हैड गुड पास टाइम शी हैड फन स्टैंडिंग एट द डोर एंड सीइंग व्हाट्स हैपनिंग आउटसाइड नए नए लोग सब लोग कुछ कुछ कर रहे हैं कुछ कुछ हो रहा है सो शी हैज फन ओके देखो शी डिड नॉट है टाइम पास करती थी बाई लुकिंग आउटसाइड अफेयर बाई लुकिंग एट दी आउट साइड उसके घर के बाहर जो हो रहा है उन चीजों को वो नोट करती रहती थी ओके okay? यस yes. बहुत ही बढ़िया तो जो स्ट्रीट में जो गली में जो चहल पहल होती है हसिल फसल होती है कोई आ रहा है कोई जा रहा है सब्जी वाला आ रहा है बसेस आ रही है गाड़ी आ रही है जा रही है बाइक वाले आ रहे हैं लोग पैदल चल रहे है. Something keeps on happening, ना? So, वही चीजें ये लड़की यहाँ पर नोटिस कर रही है हाँ है ना बेटा सिर्फ बस को देखना नहीं बल्कि पूरी गली में क्या चल रहा है देखती थी और सबसे खास उसको लगता था उसकी इच्छा जो अब हम बताने वाले हैं हर फेवरेट पार्ट गली में देखने में उसका फेवरेट पार्ट क्या है जब हम जैसे बहुत सारी चीजें देखते हैं कोई बोलता है मुझे मूवीज देखना बड़ा पसंद है बट स्पेसिफिकली एक जॉनर होता है किसी को एक्शन पसंद किसी को हॉरर पसंद किसी को थ्रिलर ऐसे ना इसको भी बाहर गली में देखना पसंद था एंड हर फेवरेट पार्ट वर्स टू लुक एट दस दैट पास बाय हर विलेज एवरी आयर हर घंटे उसके विलेज से उसकी गली में से सामने से बस गुजरती थी और उसे बहुत अच्छा लगता था उस बस को देखना बहुत ही बढ़िया ठीक है खुशी हो रही है की उड़ान रिलोडियंस भी यहाँ पर है जिन्होंने ऑलरेडी लेसन कर लिया है और अब फुल ऑन रिविजन मोड में आ चुके हैं वेरी नाइस ग्रेट ओके यस तो चलिए अभय कुमार चीजों को समझने की कोशिश कीजिए आप कि यहाँ पर बच्ची को बाहर रोड पर यानी कि स्ट्रीट में जो हो रहा है उसको देखना पसंद था सबसे ज्यादा उसका जो फेवरेट पार्ट था वो था बस को देखना क्यों बस में क्या खास था देखते हैं इट गेव हर एनलेस जॉय टू लुक एट द न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स ईच टाइम द बस क्रॉस बाय जितनी भी बार वो बस जाती थी ना उसके सामने से हर बार नए लोग नए पैसेंजर्स और इस बात की उसको बड़ी खुशी होती थी समझ रहे हैं ना बात को क्या खास लगता था उसको हर बार नए लोग भर के बस में आ जाते हैं एवरीबडी सो डिफरेंट है ना इसलिए सो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो देख देख कर देख देख कर उसके मन में एक इच्छा जगी ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बच्चों ग्रेजुअली इवन शी विश टू ट्रेवल बाय बस तो उसके मन में इच्छा जगी कि मैं भी एक दिन बस में बैठ कर जाओ इवन शी वॉन्टेड टू ट्रेवल बाय बस सोन द विश टर्न इंटू अ डिजायर एक छोटी सी इच्छा से शुरू होते होते वो चाहत में कन्वर्ट हो गई करना है मुझे डिजायर बन चुका है एंड देर फोर शी मेड इट हर मिशन टू फुलफिल इट अब इसके दिमाग में वो मिशन की तरह छा गया कि मुझे तो एक बस राइड चाहिए ही चाहिए ओके सो बच्चे की इच्छा क्या थी हम सभी को समझ में आ गई है जो इच्छा चाहत में कन्वर्ट हुई जिसको उसने मिशन बना लिया सो माय डियर स्टूडेंट्स वी हैव हैव अंडरस्टूड अंडरस्टूड दिस फर्स्ट यस बहुत ही बढ़िया वेरी गुड नाइस यू वेल बहुत बढ़िया सो so, जल्दी से बताओ बच्ची क्या चाह रही थी हमें समझ आ गया है Thumbs up for the first paragraph. Okay, main basic, बच्ची का क्या नाम था उसकी क्या उम्र थी उसको सबसे ज्यादा क्या पसंद था और उसकी इच्छा क्या थी यस yes, बहुत ही बढ़िया सो so, मिस्टर राकेश मैंने बता दिया है कि मैंने इस टेंसा में या फिर इस पैराग्राफ में अगर मैं कहूं मैंने क्या क्या बताया लड़की आठ साल की नाम उसका वली उसका सबसे पसंदीदा काम क्या था अपने घर की चौकट के बाहर खड़े होके बाहर जो हो रहा है स्ट्रीट में उसको देखना उसमें सबसे फेवरेट था बस को देखना। और बस का बेस्ट पार्ट उसे लगता था कि हर बार नए पैसेंजर्स आ रहे हैं उस बस में और देख देख कर देख देख कर उसके मन में इच्छा जागी कि मुझे भी बस में राइड लेनी है और धीरे धीरे वो इच्छा कन्वर्ट हो गई इन अ डिजायर बहुत ही बढ़िया ग्रेट सो नाइस अब आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग थम्सअप आ चुका है वली का नाम याद रखिएगा बेटा वली अमाए और उसका निक नेम है वली कितने साल की आठ साल की वो जो बस थी कितनी देर में आती थी, थी उसका ड्यूरेशन क्या था इन एवरी वन आवर हर एक घंटे में उसके घर के सामने से बस गुजरती थी यू चलिए ये बात हम समझ गए हैं तो अब हम बढ़ने वाले हैं आगे और आगे जो होगा वो है काफी खास अब उसे ना बस राइड के बारे में लोगों से आसपास के लोगों से पता चलता रहता था फिर उनसे सवाल भी पूछती थी अच्छा बस में जाने के कितने पैसे लगते हैं वो बस कहाँ तक जाती है है ना तो ऐसे सवाल पूछते हैं बेसिक तो so, शी स्टार्टेड टू नो अबाउट द बस बाय she शी स्टार्टेड लिसनिंग टू conversations बिटवीन हर नेबर्स हु frequently ट्रैवल बाय बस तो ना वो उन लोगों की उसके आस पड़ोस के लोगों की बातें सुनती थी जो बस में ट्रैवल करते थे ओके okay, जो बस से ट्रेवल करते थे तो उस वजह से क्या हुआ इसी प्रोसेस में वो ना बड़े ध्यान से बहुत सारे सवाल पूछ लेती थी केयरफुल क्वेश्चन पूछती थी, थी ताकि उसको और इंफॉर्मेशन मिल जाए बस राइड के बारे में तो उसने अपने नेबर से अपने नेबर से इंफॉर्मेशन गैदर करी अपने नेबर से इंफॉर्मेशन गैदर करी बस राइड के बारे में क्या क्या होता है कितने पैसे लगते हैं कहां तक ये बस जाती है सवाल पूछ पूछ कर आस पड़ोस के लोगों से उसने काफी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी जस्ट लाइक दिस इससे क्या पता चला इसको शी न्यू दैट द टाउन इज माइल्स अवे फ्रॉम हर विलेज ये जो बस है ना सिक्स माइल्स अवे जहां पर टाउन है वहां जाती है एंड इट टुक द बस कितनी देर लगती है उस बस को जाने में फोर्टी फाइव मिनट्स टू ट्रेवल वन साइड एक तरफा कितने देर फोर्टी फाइव मिनट्स कितनी देर बेटा 45 मिनट्स और अगर बात करें पैसे कितने लगेंगे भाई एक तरफ के 30 पाइसे आने जाने के कितने हो जाएंगे 60 पाइसे फरे बैक एंड फोर्थ राइड याद रखो बेटा 45 मिनट्स की जर्नी है 30 पाइसे एक तरफ के ओके okay? 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा फिर 60 पाइसे हो जाएंगे आने जाने के ओके okay, आना और फिर जाना और फिर वापस आना ठीक है और खास बात इसके विलेज से कितना दूर था सिक्स माइल्स कितने माइल्स अवे सिक्स माइल्स अवे विलेज टू टाउन था सिक्स माइल्स अवे तो ये सारी बातें हो गई दिमाग में फिर ये लिखनी पड़ेगी बेटा पेपर में ओके okay, यस yes. बहुत ही बढ़िया ओके सिक्सटी पाइस टोटल फिफ्टी मिनट्स ओके प्रतीक यादव कह रही है माई फेवरेट टीचर थैंक यू सो मच यस आदित्य शी स्टार्टेड गैदरिंग इन्फॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया सिक्स माइल सिक्सटी पेन्स क्यों लिखा बेटा पाइस की जगह पेन्स लिख दिया दुख uh, अजीत कुमार गुप्ता जी क्या पूछना चाह रहे हो आप वो कैप नहीं है क्या मतलब वो क्या कहना चाह रहे हो आप हम्म चलो बहुत ही बढ़िया ग्रेट So, हमने इनके इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब इसको मिल गया ये क्लियर है सो so, जल्दी से मुझे अप देके ये बता दो कि क्या आप ये समझ चुके हो कि बस राइड के बारे में इसको इंफॉर्मेशन कितनी मिली और किससे मिली ओके okay? कितनी इन्फॉर्मेशन मिली है और किससे मिली है चलो बहुत ही बढ़िया मैम फ्रीक्वेंटली मीन्स पल्लवी कुमारी पूछ रही है फ्रीक्वेंटली मतलब आई कम टू मीट यू फ्रीक्वेंटली मैं आपसे ना मिलने आती जाती रहती हूँ फ्रीक्वेंटली मतलब बार बार है ना यस yes. अमन वर्मा मैंने बता दिया है मतलब क्या है यहां पर ना वली की जो इच्छा थी बस राइड में बस की राइड उसे चाहिए थी तो उसने क्या किया क्योंकि उसकी इच्छा मिशन में कन्वर्ट हो गई तो उसने आसपास के लोगों से पता करना शुरू किया जब भी आपका कोई चीज़ करने का मन करता है फॉर एग्जाम्पल आपको आई में एडमिशन लेना है तो आप पता करोगे ना कौन सा कोर्स लेना पड़ेगा कहाँ एडमिशन लेना पड़ेगा कैसे पढ़ाई करनी पड़ेगी वहां तक पहुंचने का क्या मेरे पास रास्ता है सेम चीज़ इस बच्ची को बस राइड चाहिए थी और बस राइड के बारे में सारी डिटेल्स निकलवा ली अपनी पड़ोसियों से उसके गांव से कितनी दूर वो बस जाती है छ छह मील ओके मील अवे जाती है सॉरी, मिनट्स की जर्नी है एक तरफ की थर्टी पाइस रुप लगते हैं पैसे लगते हैं एक तरफ की तो so, ये बातें उसने पता कर ली चलो गॉड इट मैम कह रहे हैं बच्चे यस yes. विलेजर से हां उसके आस पड़ोस के लोगों से उसके दोस्तों से जो वहां जाते थे उससे उनको इंफॉर्मेशन मिली ओके ये सत्यजीत घोष कह रहे हैं व्हाट इज वोकेब्लरी मेडम वोकेबुलरी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स को कहते हैं धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ता है हमारे पास टाइम होता है हम ना वोकेबलरी अपने शब्दों के पिटारे को इंक्रीज कर हैं नए शब्द सीखते हैं ना तो वोबलरी इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ वर्ड्स चलो फाइन अब पता चल गया उसको कि कितने पैसे लगे के बस राइड के यानी कि उसको कितने पैसे चाहिए थे सिक्सटी पाइज चाहिए थे अब सिक्सटी पाइज का अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा बिल्कुल करना पड़ेगा पॉकेट मनी इतनी होती नहीं है तो उसने धीरे धीरे पैसे बचाना शुरू किया अलग अलग बच्चे के पास पैसे कहाँ से आते कभी मेले में वो गई उसने अपनी पसंद की चीजें खाई पी नहीं ओके धीरे 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 करके उसने पैसे सेव करना शुरू कर लिया ओके माय डियर स्टूडेंट्स सो शी स्टार्टेड प्लानिंग एंड री प्लानिंग सो दैट शी कुड स्नीक आउट ड्यूरिंग हर मदर्स आफ्टरनून नैप एंड केम बैक विदाउट हर नोइंग एनीथिंग तो प्लानिंग करनी थी दो चीजों की एक 60, कहां से आएंगे और एक वो कब जाएगी तो कब जाएगी उसका आंसर तो बड़ा इजी था। उसकी मदर का दोपहर का सोने का टाइम होता था मदर स्नैप टाइम। बजे से बजे बजे तक। कितने टाइमिंग तो 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 हो गई फिक्स तो फिर वो प्लानिंग करने लगी पैसों की तो जैसे कि मैंने कहा मनी विच वॉज नॉट एज ईजीडी पेपर राउंड उसे ना सॉरी <coughs> उसे ना अपने आप को बहुत चीजों से रोकना पड़ा अपनी पसंद की चीजें खाने से जैसे कि कौन सी कौन सी चीजें कि टेम्पटेशन उसका बड़ा मन कर रहा होगा कैंडी पेपरमेंट और वो झूले में मेले में झूले झूलते हैं ना मेरी राउंड उन सब से उसने अपने आप को रोका उसने अपनी सारी पसंद की चीजें नहीं की ताकि वो बस राइड को एंजॉय कर सके हाँ या ना यस ताकि वो बस टाइम को एंजॉय कर सके फाइनली सेव करते करते जहां चाह वहां राह इसकी चाह थी इसने सक्सेसफुली वो काम सक्सेसफुली सक्सेसफुल्प्लीट किया सिक्सटी पाइज इसके हो गए कलेक्ट फाइनली शी सेव्ड इनफ मनी एंड वन फाइन डे पैसे हो गए पैसों का जुगाड़ हो गया सेव कर लिए अब एक दिन बहादुर लड़की ये निकल पड़ी अकेले आठ साल की बच्ची बस चढ़ने भाई देखो द ब्रे ईयर ओल्ड गर्ल टुक बस ड्यूरिंग इट्स नॉट वेरी बिजी आवर्स तो उसने उस टाइम पे चुना भाई दोपहर के टाइम पे इतनी भीड़ नहीं होती ना इसको स्लैक टाइम भी कहते हैं बेटा जब बहुत ज्यादा भीड़ ना हो एक होता है पीक टाइम जब बहुत भीड़ होती है ये जिस समय बस में चढ़ी वो स्लैक टाइम था ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी उस टाइम पे दोपहर के एक बजे यार इसीलिए वो उस टाइम पर पहुंच गई ओके और अब पहुंच गई तो इसने जाके बस रोकी तो जब बस रोकी, आपने देखा होगा जब बच्चे बस रोकते हैं तो कंडक्टर या ड्राइवर क्या सोचते हैं कि इसके मम्मी पापा का रिश्तेदार आ रहा होगा पीछे से जिसके लिए बच्ची बस रोक रही है बट फिर कंडक्टर ने पूछा कौन आ रहा है है तो उसने बोला मुझे चढ़नी बस मैं मुझे आना है तो फिर वो बोलती है मेरे पास पैसे भी हैं तो उसको थर्टी फाइव दिखाने लगती है वो बोले अच्छा 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 आ जाओ चढ़ जाओ आप कोई बात नहीं तो वो ना ना कंडक्टर की हेल्प लेती ना किसी की हेल्प लेती है उसको हेल्प लेना नहीं पसंद और वो चढ़ जाती है बस में कंडक्टर उसकी मदद करने की कोशिश करता है आ जाइए वो अपने आप ही चढ़ जाती है एंड यस yes, उसकी बस राइड का एडवेंचरस सफर होता है शुरू तो अब ये बच्ची बस चढ़ गई है और बस में कौन होते हैं पैसेंजर्स ज्यादा पैसेंजर्स नहीं थे बस छह सात पैसेंजर ही थे ठीक है तो आई बात समझ में यस बहुत ही बढ़िया नाइस गोइंग मोहम्मद व्यूज मतलब थ्री डी व्यूज क्या होते हैं बेटा हम्म ग्रेट गोइंग चलो अब यहां तक आ गई ये बात समझ में एवरीबडी आउट हियर यस हां जी विकास सिंह तो आगे भी पहुंच गए यस yes, मीना यादव का एक बहुत अच्छा सवाल है रेजिस्ट का क्या मतलब है बेटा रेजिस्ट मतलब रोकना फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ना माल मस्त मस्त मिठाइयाँ रसगुल्ला वट व यू फील लाइक सामने रखा हो और तुम्हें बोल दिया जाए तुम्हें नहीं खाना अगर किसी को शुगर होती है तो तुम समझ सकते हो सामने मीठी चीजें होती है और उसको खाना नहीं होता अपने आप को रोकना ही होता है रेजिस्ट करना फिजिक्स में रेजिस्टेंस पढ़ा होगा ना रेजिस्टेंस रोकने के लिए बीच में अड़ंगा डालने के लिए यूज किया जाता है रेजिस्ट यानी कि रोकना बे बैड बॉय पूछ रहे वन साइडेड मीन अरे वर्ड वन साइडेड मतलब एक तरफा सिंपल ओके यस बहुत ही बढ़िया <coughs> तो आ गई बच्चे समझ में चलो स्लैक टाइम मीनिंग बताया तो सही बेटा स्लैक टाइम टाइम नॉट वेरी बिजी वो होता है जब बहुत होते हैं, जब बहुत बहुत बिजी होते हैं भीड़ भड़ा का होता है स्लैक टाइम मतलब ज्यादा बिजी नहीं है ज्यादा भीड़ नहीं है यस कंडक्टर मस्त आदमी था कंडक्टर ने इसके साथ बहुत बढ़िया तरीके से बात भी की थी रास्ते में चलो कोई नहीं अब देखते हैं इसकी जर्नी कैसे निकलती है ये कैसे बस जर्नी को एंजॉय करती है क्या कुछ होता है इसके साथ बस में तो बैठ गई है तो so अब सोचो जिस चीज का मन होना आपका बहुत दिल से तो आप उसको फुल ऑन एंजॉय करते हो ना उसको फील करते हो तो यही किया वली ने भी शी गॉट इन टू बस एंड दिस टाइम इट वॉज एन अम्यूजिंग साइट बहुत मस्त साइट थी मतलब आप देखो बस में बैठते है सबसे पहले क्या शौक होता है इधर उधर देखने का खिड़की में से तो ये भी वही करने लगी

ऐसे कैसे जा रही है लड़की बोल के ऐसे ठीक है यस yes. नाउ अब वो सब बच्चे आ, सब लोग उसके बारे में सोच रहे थे कंडक्टर वॉज ऑफ दॉकिंग शॉर्ट जोकिंग शॉर्ट मतलब मजाकिया व्यक्ति था जैसे कि आपने कहा एंड दैट्स रेफर टू वाली एज अ ग्रोन अप मैडम तो बच्ची ऐसे आई थी ना तो ये नाम मैडम राइट द बस लेसन का क्यों पड़ा क्योंकि कंडक्टर ने उसको बोला मैडम आइए मैडम ऐसे मैडम से उसको एड्रेस किया जिस वजह से ये मैडम राइट्स बस आए आठ साल की बच्ची को कंडक्टर हमारे मैडम बोलने लगते है ओके गुड नाउ दस रिफर्ड वाली एज अ मैडम शॉर्ट हाइटेड वाली छोटी सी तो थी आठ साल की बच्ची तो थो छोटी होगी तो इस छोटी बच्ची को कुछ नजर नहीं आ रहा था जैसे कि मैंने कहा वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई और देखने लग गई आसपास की चीजें फिर क्या हुआ ऐसा होता है ना जब हम अपनी मर्जी का कुछ कर रहे होते कोई ना कोई ना टोकता जरूर है यही हुआ वली के साथ भी पीछे से एक अंकल बोलने लगा अरे बैठ जाओ बैठ जाओ खड़े होके मत देखो तो उसको इतना गुस्सा आया बोला मैंने पैसे भरे हैं ना मैं देखूंगी खड़े होके समझ रहे हो सो so उसको ना लग रहा है मैं अपने आप अपने संभाल लूंगी अपने आप को ऐसे वो लड़की ना गुस्सा हो गई समझ रहे हैं बात को हम यस yes. नाउ सो दिस गर्ल स्टैंड सीज एवरी थिंग उसको टोकने के बावजूद भी वो बैठी नहीं बट फिर पता है क्या हुआ नेक्स्ट स्टॉप आया जैसे ही नेक्स्ट स्टॉप आया भीड़ होने लगी कंडक्टर ने भी उसको बोला बेटा आपने सीट के पैसे दे रखे आप आराम से बैठ कर एंजॉय करो कंडक्टर ने बोला उसको आराम से बैठो और देखो वो बोलती पैसे दिए ना मैं खड़े होके जाऊं बैठ के जाऊं मेरी मर्जी हाँ तो फिर इस चक्कर में क्या है अः पल्लवी कुमारी ने एक वर्ड का मतलब पूछा किंडल बताती हूँ बेटा में ये का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी जरूर अभी के लिए सुनो बात ये है कि ये बच्ची कंडक्टर की बात नहीं सुनती पैसेंजर जिसने उसको बोला बैठ जाए पर क्या हुआ जब अगला स्टॉप आया ना तो लोग चढ़ने लगे तो भीड़ होने लगी तो इसे लगा कि कहीं मेरी प्लेस ना चली जाए तो अपनी जगह बचाने के लिए ये बैठ गई अपनी जगह बचाने के लिए ये लड़की बैठ गई नाउ

तो अब इस बच्ची को लोगों ने रोका टोका पर ये बच्ची किसी की नहीं मिली बोली मैं बच्ची नहीं हूं मैं छोटी नहीं हूं जिस वजह से ट्रीट किया कंडक्टर ने भी उसको मैडम मैडम कह के तो अब जैसे कि मैंने कहा वो जब वापस बैठी तो तब उसके साइड में वाली सीट में वली की साइड वाली सीट में एक ओल्ड लेडी एक एल्डरली लेडी आकर बैठ गई ओके शी डिड नॉट वॉन्ट टू बी फ्रेंड्स विद एन एल्डरली लेडी तो एक एल्डरली लेडी आई और वो बैठ गई उसके साइड में और वो फिर फिर से वो भी शुरू हो गई ओ बेटा तुम इतने छोटे बच्चे तुम अकेले कैसे जाओगे तुम्हारे साथ कौन है तुम चले तो जाओगे ऐसे सवाल पूछने लग गई वो who was worried about her because she thought she was not socially capable enough इस आंटी को लगा कि ये छोटी सी बच्ची अपने आप अपने आप को हैंडल करने के लायक नहीं है वो ना कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए है ना आदित्य वियर्ड की स्पेलिंग बेटा जानो आप गलत बता रहे हो ठीक है देखो अंजना क्या इरादा है आपका हम्म, माय स्टूडेंट्स जो लेडी थी ना थोड़ी सी अजीब सी थी अजीब सी क्यों उसके जो कान थे ना उसमें बड़े बड़े होल्स थे <laughs> उसके कान में देखा होगा तो आपने कभी कभी ओल्ड आंटीज होती है उनके बड़े से होते बड़े बड़े उसके अजीब से ईयर पहन रखे थे और सबसे बुरी बात वो पान कर ऐसे अ यू कैन फील इट राइट तो वो बहुत वियर्ड लग रही थी वली को तो उसको ज्यादा उससे बात ही नहीं करनी थी तो उसने क्या किया मैं अपना अपने आप देख लूंगी बोल के उसने शीशे की तरफ वो नहीं खिड़की की तरफ मुंह करके वहां देखने लग गई बाहर सो so ये एल्डरली आंटी इसको बिल्कुल पसंद नहीं आई ठीक है यस yes. बहुत ही बढ़िया तो अब क्या होने वाला है साथ में देखते हैं ओके माय डियर स्टूडेंट्स तो बात यह है कि जब वो बच्ची

राज पुरोहित का सवाल है पोक का क्या मतलब है पोक मतलब टांग अड़ाना अड़ाना पोख करना किसी के फटे में टांग अड़ाना कह सकते हो आप ओके यस अब ये जब बच्ची जा रही थी ना बस में तो आ, साइट तो ये एंजॉय कर ही रही थी आसपास की सीनरी वगैरह जब वो काव आ गया अचानक से उसकी बस के आगे तो उसको बड़ा मजा आ रहा था और वो तालियां मार रही थी खुश हो रही थी इज वेरी हैप्पी ठीक है उसने उस गाय को देखा वहां पर उसको बड़ी खुशी हुई फिर बस बड़ी आराम से उसके साइड में से निकल गई ठीक है उसने गाय को नोटिस किया ठीक है उसने गाय को नोटिस किया और वो बस फिर आगे निकल गई बस ड्राइवर भी अच्छा था ऐसा लग रहा था जैसे ना मतलब इतनी चीजें सामने से उसको रोकने के लिए आ रही है पर वो आराम से सेफली ने लेकर चला जा रहा था ना वट हैपन्स फोर्टी फाइव मिनट हो गए जैसे ही फोर्टी मिनट्स वो कहां पहुंच गए होंगे बेटा जी हाँ उनके डेस्टिनेशन यानी कि टाउन में अपॉन रीचिंग द टाउन अब वो टाउन पहुंच गए जैसे टाउन पहुंचे क्या वो डेस्टिनेशन पहुंच गई सब नीचे उतरने लग गए तो कंडक्टर बोला आ गया बेटा तुम्हारा टाउन जाइए आप टाउन तो आलीशान सुंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी दुकानें है ना वही तो जो देखना था हमारी वली को तो बट वहां पर जैसे ही वो पहुंचे मून स्टॉक एब्रप्टली का मतलब है बेटा अचानक एब्रप्टली का मतलब है अचानक ओके टाउन yes. so पहुंचने के बाद ये लड़की बस से उतरे ना इसने मना कर दिया शी रेफ्यूज टू उसने मना कर दिया ये कहते हुए कि मुझे अब डर लगता है भाई बिकॉज शी वॉज टू अफ्रेड टू डू सो अलोन वो अकेले ना वहां टाउन तक तो पहुंच गई थी बट वो अकेले उतर के बाहर नहीं जाना चाह रही थी वो अकेले उतर के बाहर नहीं जाना चाह रही थी तो जब कंडक्टर ने देखा Discreet का होता होता है बेटा, fixed होता है, बेटा, या केयरफुल क्वेश्चंस एल्डरली उम्र ज्यादा थी बेटा कामरान. Temptation, अरे कोई चीज की जो हमें हम tempt हो जाते हैं किसी चीज़ को कर, चीज़ को लेकर, कोई बहुत ज्यादा खाने का मन करे तो उसे टेम्पटेशन कहते हैं कृष्णा एक बहुत बड़ा माहौल बनाया जाता है, scenario बनाया जाता है ठीक है ये वट द मीनिंग ऑफ स्पिल स्पिल मतलब बिखरा हुआ गिर जाना स्पिल होना ओके okay? यस yes. चलो बहुत ही बढ़िया जा रहे हैं हम लोग चीजें आपको समझ आ रही है आप लोग डाउट्स भी पूछ रहे हो इस बात की मुझे खुशी है श्रग्ड मतलब बेटा प्रोटेक्टेड श्रग नहीं पहनते हम लोग एक जैकेट की तरह हमें प्रोटेक्ट करता है श्रग करना मतलब प्रोटेक्ट करना ठीक है यस लॉन्गिंग दूरी सही जाए ना वो वाली लॉन्गिंग मतलब किसी चीज को देख देख कर इच्छा जाग रही है उसको लॉन्गिंग कहते हैं ठीक है यस ओके फाइन देन बच्चे कह रहे हैं अभी तक आ गया सब कुछ समझ में ग्रेट गोइंग सो माई डियर स्टूडेंट्स तो बात यह है कि लड़की टाउन में जा पहुंची और टाउन पहुंचने के बाद अब बस से उतर ही नहीं रही है कंडक्टर ने बोला जाओ बेटा जाया आओ तो बोली नहीं नहीं मुझे डर लगता है तो फिर कंडक्टर ने बोला अब यहाँ तक आए हो तो वहाँ भी तो जाओ बोली नहीं मुझे नहीं जाना फिर उसने तो बोला बेटा जाओ कितनी बड़ी बड़ी दुकान है वहाँ पर जाओ कुछ खा के आओ कोई कोल्ड ड्रिंक पी के आओ तो बोलती है नहीं 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 मेरे पास पैसे नहीं है मेरे पास बस जाने तक के पैसे हैं मुझे नहीं जाना तो फिर कंडक्टर बोलता मैं दिला देता हूँ आपको कुछ बट वो लड़की बिल्कुल भी कहती है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए आप मेरे पैसे ले लो मेरी जाने की टिकट कर दो मैं इसी बस से वापस जाना चाहती हूँ उसने देख लिया जो उसको देखना था मतलब उसको बस राइड एंजॉय करनी थी वो बस से उतरी भी नहीं ये बात याद रखिएगा द गर्ल डिड नॉट इवन गॉट डाउन फ्रॉम द बस याद रहेगी ना ये बात अब दोबारा बस वापस अपनी डेस्टिनेशन की ओर चल पड़ी है ना यस अब जो होने वाला है उसे वापस जाना था बस बिल्कुल होता है बेटा मतलब किसी चीज को हम बहुत वक्त से चाह रहे हो ना लॉन्गिंगली आप किसी चीज को चाह रहे हो तो उसी को विस्टफुली कहते हैं ठीक है यस तो अब अब वो वापसी की ओर निकल पड़ी भाई अब जब बस वापस जा रही थी तो उसके साथ एक बहुत सैड सा हादसा हो गया क्या हादसा हो गया वो जब वापस जा रही थी ना वो जो काऊ नहीं देखी थी उसने वो काऊ उसको रास्ते में रोड पे मरी हुई मिली तो यू कैन यू फील इट जिसमें अभी तक जान थी जिस जो ऐसे कूदती हुई गाय भाग रही थी अचानक से उसको ऐसे देखना मरे हुए कटे हुए खून वे गॉड इज़ नॉट ईजी राइट वली के साथ वही हुआ वापसी में उसके साथ ये बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस हुआ कि उसे उसको मरी हुई गाय को देखना पड़ा रास्ते में उससे पहले ना जब वो वापस जा रही थी तो वो बड़ी खुश थी बहुत खुश थी ऐसा नहीं होता जैसे अगर हमने एक बार कोई चीज़ देख ली तो दूसरी बार देखने में मूड ठीक नहीं होता या फिर ज़्यादा मन नहीं करता इसके साथ ऐसा कुछ नहीं था ये बहुत एक्साइटेड थी वापस जाते वक्त भी ऐसे ही बाहर चीज़ों को देख रही थी सब बढ़िया चल रहा था बट ये जो काओ वाला इंसिडेंट देख के उसे बहुत बुरा लगा है ना क्यों शी कैरीड एक्सट्रीम एंथ्यूजियाज्म बहुत खुश थी वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड थी अंटिल कब तक जब तक उसने देखा शी सो एस ऑन द रोड उसे एक मरी हुई गाय को देखना पड़ा लाइफ लेस ऑन द रोड खून एंड बहुत बुरी तरीके से यस yes. अब इट वॉज द सेम काउ देर वो सो जॉयस प्रिवियसली वो जो काउ को उसने देखा ये वही गाय थी जो थोड़ी देर पहले जब वो जा रहे थे तो कितना खुशी से कूद रही थी भाग रही थी हम ऐसे कैसे थे तो वाली गॉड टेरिफाइड वो बहुत घबरा गई डर गई एट द फैक्ट किस बात पे दैट हाउ ए क्रिएचर सो फुल ऑफ लाइफ कैन इंस्टेंटली टर्न इन टू समबल फुल ऑफ लाइफ जो क्रिएचर था अचानक से इतना हॉरेबल हो गया वो कि देख नहीं पा रहे हम अनइमेजिनेबल है ये जिसके साथ होता है वही फील कर पाता है और उस उम्र में बेटा आठ साल की उम्र में तो फिर बुरा तो लगना ही था हाँ या ना एंथुजियाजम बेटा एक्साइटमेंट बहुत सारी हम्म शी सैड डाउन साइलेंटली फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी अब वो बच्ची बड़ी शांति से बैठी रही पूरे रास्ते अब उसने ज्यादा ना बोला ना आसपास देखा बस शांत मतलब अचानक से उसका मूड ही पूरा बदल गया उसका मूड ही पूरा बदल गया अब कुछ ही देर में आप पहुंचे वो वापस अपने डेस्टिनेशन पे यानी कि अपने गांव वापस आ गए अपॉन रीचिंग द डेस्टिनेशन ओके okay. चुपचाप बैठी रही फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड वो फिर अपनी घर पहुंची जब वो घर पहुंची मतलब घर पहुंची इन द सेंस बस बस रुकी तो बस रुकी तो तो कंडक्टर ने बोला कि जरूर आना दोबारा जब आपका मन करे तो आप जरूर बस में आना एंड यस मैडम सिक्सटी फाइव लाना मत भूलना तो उसने बताया कि इतने पैसे का फेयर है ना अपने किराया है बस में जाने का तो उस हिसाब से उन्होंने बोला कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से जाना चाहिए फाइन तो उसने बहुत अच्छे से प्यार से उसको विदा किया एक स्माइल के साथ बच्ची ने भी कंडक्टर को स्माइल देते हुए ओके ऐसे बोलते हुए वो नीचे उतर रही और अब उसको भागना पड़ा उसको डर था कि कहीं घर पे मम्मी उठी हुई ना मिले वही हुआ जिसका डर था उसकी मम्मी उठ के बैठी हुई थी तो तुम्हें क्या लग रहा है मम्मी डांटेगी धमकाएगी क्या बहुत ज्यादा मारेगी ना जी ना मम्मी तो बिजी थी पड़ोसी आंटी के साथ में और उससे बातें कर रही थी ठीक है शी रीच्ड होम शी सॉ दैट हर मदर एंड आंट आर स्पीकिंग शी फाउंड हर मदर एंड आंट टॉकिंग अबाउट द एंडलेस पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड आउटसाइड वो दोनों लेडीज बात कर रही थी यार दुनिया में आजकल देखो क्या होता है कहीं भी कोई भी जा सकता है कुछ भी हो सकता है एंडलेस पॉसिबिलिटीज दुनिया में किसके साथ क्या हो जाए और फिर बोलती हाँ हाँ कब किसके साथ क्या हो जाए क्या पता है ऐसे बच्ची बोलती है फिर बोलती है देख कितनी तेज़ है ये उम्र से ज्यादा बोलती है ये लड़की ऐसे वो आंट कहती है इससे और ये हंसते हुए ओके okay, सपना कुमारी का डाउट आ गया भाई ट्रेमेंडस मतलब बहुत भारी ट्रेमेंडस सपोर्ट बहुत ज्यादा ठीक है यस yes. बहुत ही बढ़िया अमाउंट यू सेड थर्टी प्लस थर्टी सिक्सटी बाइस और क्या ओके hmm. okay, हर्षा काज प्री बोर्ड था वेरी नाइस टू सी दिस बेटा यस आदित्य कह रहा लेसन ऑफ लाइफ इज नो वन इज ए मॉडल हाँ जी गौतम बुद्धा जी ने भी यही कहा था और एक तरीके से यहाँ पर भी यही है बट बेटा क्या है ना हमें दुनियादारी की समझ देर से होती है अब हम एक आठ साल की बच्चे से ये समझें या ये एक्सपेक्ट करें कि उसको सारी चीज़ों का ज्ञान हो तो वो नहीं हो सकता ना इमोशंस तो होंगे ही खुशियाँ होंगी दुख होगा बुरा लगेगा अच्छा लगेगा तो वही वाली बात है सो so, ऐसा हो गया आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चा लोगों को हाँ या ना हर मादर सेंग, वो देम जैसे कि मैंने कहा वो दोनों लेडीज जब बात कर रही थी ना तो इसने हाँ भरी इसने बीच में एक डायलॉग मारा जिसकी वजह से दोनों को लगा कि अरे ये बच्ची तो बहुत बहुत तेज है ओके फिर उसने ना बचने के लिए ऐसे हाँ मैंने तो तो ऐसे ऐसे मैं कर रही थी तो उसने बचने के लिए कहा दिया आंट ने क्या कहा देन बिफोर टू वर्ली एज ए नो स्पोकिंग चाइल्ड उसने कहा ये लड़की हर चीज में टांगाती है वर्ली ना हर चीज में टांगाती है और ना बड़ी बड़ी उम्र की औरत की तरह बिहेव करती है But actually, मैं वली को ही पता था वॉट रेफरिंग टू बिकॉज को पता नहीं चला ना मतलब तो देखो एक आठ साल की बच्ची अकेले बस में जाके ट्रेवल कराई किसको पता था कोई पॉसिबिलिटी थी इसकी तो आप समझ रहे हो इस बात को कि उसके बारे में लोग क्या समझ रहे हैं वो बात की बात है लड़की ने तो महान काम कर दिखाया हाँ ना यस बहुत ही बढ़िया हाँ बिल्कुल आदर्श वाली की माउमा और आंटी अपने धुन में थी उन्हें समझ ही नहीं आया क्या हुआ ग्रेट आज मेंटी करेंगे क्या सवाल तो पूछेंगे भाई कुछ वन वर्ड आंसर्स कुछ वॉट यू कॉल क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम में जैसे आ सकते हैं ओ अंकिता है कह रहे हैं बहुत अच्छे हो थैंक यू सो तो मच एस्टॉनिश मतलब शॉक वो जो इमोजी तुमने लिखा वही वाला एस्टॉलिश मतलब शॉकिंग वाला ठीक है

कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स है जो तुम्हें आने चाहिए कुछ के मीनिंग्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए कुछ के मीनिंग्स तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए बट कुछ और डिस्कस करने में कोई हर्ज नहीं है जिसमें से पेपर में भी सवाल आ सकते हैं तो यस ये रहा विस्टफुली विस्टफुली बेटा आपने पूछा भी था उसका मतलब है लॉन्ग इंगली विस्टफुली का मतलब है लॉन्ग कई देर से इच्छा जाग रही है ठीक है किंडल किंडल मतलब सेट अलाइट यहां पर फीलिंग्स को कह सकते हो आप किंडल मतलब उसकी इच्छाएं मतलब जाग जागरी अंदर से डिस्क्रीट क्वेश्चन है ना और बेटा स्लैक टाइम मैंने बताया था वेन देर इज नॉट मच वर्क भीड़ भाड़ नहीं है ज्यादा काम नहीं है कर्टली क्या है बेटा शोइंग डिस्प्लेर जब उसको ऐसे वो आंटी वो अंकल बस में तंग कर रहे थे ना तो उसका रिएक्शन थोड़ा कर्टली आया था तो इसके लिए हम कहते हैं शोइंग डिस्प्लेर एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू कॉन्सेंट्रेट इन स्टडीज बताते हैं बेटा बताते हैं करेश मिश्रा वट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी सब की होती है कुछ की पूरी होती है कुछ की नहीं होती बट जो पूरी होती हैं, उसके लिए ना यू हैव टू टेक पेन आपको कुछ चाहिए कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है उस बस राइड के लिए उसने अपनी इच्छाओं को मारा कुछ चीज़ों को अपने आप को रोका कुछ चीज़ों करने से खाने पीने की चीज़ों से मेले में एंजॉय करने से ओके okay? और फिर वो जब एक्सपीरियंस हुआ जरूरी नहीं कि लाइफ की हर एक्सपीरियंस अच्छा ही हो कुछ बिटर एक्सपीरियंसेस भी हो सकते हैं यू नीड टू बी रेडी स्ट्रांग एंड वाइज इनाफ टू फेस एवरीथिंग है ना यस yes. बहुत ही बढ़िया हाउ वॉज द नेचर ऑफ द कंडक्टर मस्त था ना जोकिंग मस जोक मार रहा था वो मैडम मैडम करके हम्म यस किसी का कह रहा है पढ़ने में मन नहीं लगता फिर वो किस में लगता है बेटा अच्छा मैं एक बात बताती हूँ आपको हमारा मन इसीलिए नहीं लगता किसी भी चीज में अगर मेरा फॉर एग्जाम्पल पढ़ाने में मन ना लगे किसी दिन ऐसा मेरे साथ लगे मुझे तो इसका मतलब ये है मुझे पढ़ाना जरूरी ही नहीं लगता वेन समथिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर यू यू टेक आउट टाइम फॉर इट तुझे इंस्टा देखना अच्छा लगता है तुझे लगता है मैं उसमें कुछ ही इंसरा बड़ा काम की चीज है जरूरी है देखना पड़ेगा भाई जो चीज जरूरी लगती है वो तुम खोल लेते हो जो जरूरी लगता है उसके लिए वक्त निकालते हो है ना तो पढ़ाई जरूरी लगेगी तो सब हो जाना है है ना यस आज की शाम पूजा मैम के नाम जो बच्चा कह रहा है बहुत ही बढ़िया उन बच्चों को जो कभी कभी सिली नॉनसेंस करते हैं सिली नॉनसेंस को ही कहते हैं ड्रिविल पूछ रहे तेरा आप ड्रिविल क्या होता है सिली नॉनसेंस इज नथिंग बटवेल ओके अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत प्यारा वर्ड है थ्रिफ्टली याद है वो लड़की को बड़ा मन कर रहा हुआ कुछ खाने पीने का टाउन पहुंचने के बाद पर वो बड़ी सारी थी दिमाग था उसने ऐसे ही नहीं कि भाई आ मुझे तुम जूस पिला दो या तुम की चॉकलेट खिला दो ऐसे नहीं बोला उसने ना अपने पैसे खर्च किए और ना किसी स्ट्रेंजर से कुछ खाया या कुछ मांगा सो थ्रिफ्टली का मतलब है स्पेंड मनी केयरफुली उसने बड़े ही सोच समझ पैसों को

चलो बहुत बढ़िया हाँ मैम पर आपने डिजीज बता दी पर मेडिसिन भी तो बताइए अच्छा जी अच्छा एक और वर्ड है बेटा जहाँ यहाँ पर यूज किया गया है वेंचर्ड आउट ये इसकी जो जर्नी थी जो इसका एक वेंचर की तरह उसने बाहर निकल के देखा वेंचरड आउट मतलब बड़े ध्यान से वेंट कॉशियसली मतलब ऐसा नहीं है कि वो लड़की ऐसे ही पागलों की तरह मतलब उसको पता ही नहीं उसके आसपास क्या हो रहा है ऐसा कुछ वो बहुत अलर्ट थी ठीक है पैसों के मामले में भी काम के मामले में भी हर चीज में ओके यस बच्ची चाला आग थी कह सकते हो स्प्रेड स्प्रेडल्ड वर्ड यूज किया बेटा जिसका मतलब है स्प्रेड आउट स्प्रेड आउट ओके सो माय डियर स्टूडेंट्स अब ध्यान से पहले तुम्हारे सवालों के जवाब देती हूं आप कह रहे थे हाउ टू फोकस ऑन योर स्टडीज सबसे पहले अंधाधुंध कोई काम नहीं होता ऐसे ही टाइम पास के लिए कोई भी खूब बुक खोल के बैठ की ऐसे नहीं चलता एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं कितनी देर के लिए करेंगे ओके इसका रिजल्ट ठीक आया कि नहीं मैंने दो घंटे लगाए वो दो घंटे जिसमें मैंने लगाए वो प्रोडक्टिव साबित हुए कि नहीं मुझे वो बात समझ आई कि नहीं ऐसे चेक करना पड़ेगा यस एक बच्चा तो बहुत देर से पूछ रहा है आपका नाम क्या है बताना ही पड़ेगा मुझे अपना नाम चलो बताई देती हूँ मेरा नाम है पूजा और मैं आप सभी के लिए हूं बहुत ही ज्यादा जरूरी इट्स नॉट दैट ओनली मी बहुत सारे लोग होंगे बट मैं भी हूं जरूरी बिकॉज मैं आपकी दो मुश्किलों का समाधान लेके आती रहती हूँ इंग्लिश और केमिस्ट्री ओके सेल्फ डिपेंडेंट इज अ मॉरल हेमा प्रभा नाग ये भी कह सकते हो आप आपकी मतलब खुद अपने ऊपर डिपेंडेंट रहो फाइन ग्रेट गोइंग ग्लीमिंग मतलब चमक होती है बेटा उसमें ग्लीमिंग ग्रेट ओके आदित्य फाइन विच टीचर यू एक्चुअली पढ़ाती हूँ तो असली टीचर हूं नकली वकली कुछ नहीं है जो है असली है साफ साफ पूरा का पूरा ओके यस थैंक यू जैसे कहा थैंक यू सो मच थैंक यू टू समीर सोनी एज वेल एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी सुपर डुपर फन क्योंकि मैं पूछने वाली हूँ सवाल जी हाँ सही सुना आपने अब जो होगा वो होगा क्वेश्चन टाइम सो तैयार हैं आप सभी लोग रेडी रेडी तैयार हो जाओ उधर आओ दंगल में जल्दी से क्विकली यस yes. बताया तो लक्ष्य गुजर की ट्रेमेंडस का मतलब बहुत ज्यादा जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी जी को 2014 में ट्रेमेंडस सपोर्ट मिला था वैसे बहुत ज्यादा चलो भाई बढ़िया वली वॉज ब्रेव एप्सोल्यूटली शी वॉज ब्रेव बेटर नो डाउट चलो मेरे बच्चा लोग अब बारी आती है सवालों की थैंक यू आदिल माधव माधव कह रहा है कि मैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ थैंक यू सो मच आई होप आपको मेरी इंग्लिश भी उतनी ही अच्छी लगेगी एंशियस बेटा पता नहीं क्या होगा एंक्शियस हो जाते हैं हम नर्वस हो जाते हैं एग्जाम्स के पहले उसको एंगजाइटी एंग्जाइटी इश्यूज भी तो होते हैं एंक्शियस हो जाना किसी चीज की बहुत ज्यादा टेंशन ले जाना आ गए भाई बच्चा लोग क्वेश्चन टाइम विद पूजा मैम कर लेने को सही है मैं भी हूं तैयार मजेदार मजेदार सवाल जवाब ओके okay? यस yes. शुरू करते हैं सवालों को ओके okay? ध्यान से बेटा पहला सवाल सुनिएगा जरा पहला सवाल सुनिएगा जल्दी से मुझे बताइए आप कि जिस लड़की की है ये कहानी उसकी उम्र क्या है बता दो ना जानी बताओ बताओ व्हाट्स द एज ऑफ वाली आई वाली की उम्र क्या थी क्विकली लेट मी नो वाली की क्या उम्र थी भाई आंसर आ जाना चाहिए सौ की स्पीड में सही जवाब की लहर दौड़ पड़नी चाहिए स्क्रीन पर चैट सेक्शन पर क्विकली जल्दी जल्दी सारे बच्चे बता दो जल्दी आंसर है बड़ा ही इजी तुम्हें बताना है अभी अभी यस माय डियर स्टूडेंट्स जल्दी से बताना है आई थिंक मुझे लगता है सही जवाब आप बच्चे दे ही दोगे हां जी देखा अभय कुमार आ गए ना पांच साल कह रहे हो यार आठ साल है बेटा ज्यादा बच्चों ने गलत नहीं किया अभी तक तो मुझे अभय का ही गलत दिखा है बाकी सब बढ़िया जा रहे हो नाइस एड इज ओल्ड ग्रेट बहुत ही बढ़िया अगला सवाल सुनो अभी क्या है अगला सवाल यह है कि आपको मुझे बताना है कि वली अमाई ने वली अमाई ने कितने पैसे जोड़े बस राइड के लिए वली अमाई ने कितने पैसे जोड़े बस राइड के लिए जल्दी जल्दी बता दीजिए बच्चा लोग कितने पैसे जोड़े वली अमाई ने हाँ जी ज्योति अग्रवाल तीन साल कह रही हैं यश अग्रवाल दो साल कह रहे हैं सत्यपाल यादव छह साल कह रहे हैं बेटा सही जवाब आना चाहिए ओके भूदेव बहुत बढ़िया बेटा बहुत दिन बाद दिखे आप मुझे कैसे हो आप भूदेव का सही जवाब है सिक्सटी फाइव सबसे पहले उसी ने बोला है यस yes, आने के जाने के जाने उसने कर लिए कलेक्ट बहुत ही बढ़िया अगला सवाल है आप लोगों के लिए चलो देखा जय फंसे ना तुम बोल रहा है एक तरफ के थर्टी बेटा मैंने आने जाने के कितने कलेक्ट किए थे कितने कलेक्ट किए देखा सवाल ऐसे गुगली आता है इजी क्वेश्चन को घुमा के पूछते ना तो यही गड़बड़ होती है यस yes. ज्यादातर बच्चों ने सही जवाब दिया नेक्स्ट क्वेश्चन इजी पीजी क्वेश्चन है ये भी कितनी देर की जर्नी थी वन टाइम एक तरफ कितनी देर की जर्नी थी विलेज से टाउन पहुंचने की जर्नी जो थी कितनी देर लगती टाइम ड्यूरेशन कितना लगता जल्दी 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 बताओ कितनी जर्नी थी बेटा कितनी दूर की आंसर आ जाना चाहिए ओहो स्वराज नाइन्टी मिनट्स कह रही बेटा बहुत बढ़िया दिमाग लगाया बट मैंने एक तरफ पूछा था बड़ी वाह मैथ्स आती है फोर्टी फाइव प्लस होता है तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ बट इसका आंसर फोर्टी फाइव है ओके ओहो आपका नाम है पूजा और नहीं है कोई आप जैसा दूजा नाइस या थैंक यू ग्रेट गोइंग फोर्टी फाइव मिनट ग्रेट 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 बहुत ही बढ़िया ओके नाइस टू तो सी दिस जल्दी से बता दो कितनी दूरी थी दूरी कितनी थी ये सारे नंबर पेपर में लिख के आने पड़ेंगे तभी पूछ रही हूं जल्दी बताओ दूरी सही जाए ना वही वाली इन स्मेट टाउन और विलेज की दूरी कितनी थी एग्जाम में लिखना पड़ेगा कितने माइल्स की दूरी थी जल्दी बता दो कितने माइल्स की दूरी थी बेटा इस लेसन में ये चीजें याद नहीं रख पाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी ओके लिख के आना पड़ेगा ये सब कुछ चाहे कोई भी क्वेश्चन आए इस लेसन में से ये बात लिखनी पड़ सकती है आपको सिक्स माइल्स वेरी ग्रेट 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 बहुत ही बढ़िया एब्सोल्यूटली वेल डन बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आप लोग यही एटीट्यूड चाहिए था बहुत ही बढ़िया जा रहे हो ग्रेट गोइंग हा चलो चलो बढ़िया सोच रहे हो बढ़िया जा रहे हो सही जवाब दे रहे हो इस बात की मुझे खुशी है नाइस nice. चलो बच्चा लोग सही जवाब देते हुए चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ ओह मोहम्मद हामिद रजा 200 माइल बहुत दूर हो जाता है रे कब पहुंचोगे 200 माइल होते तो उसकी मम्मी पापा सब पकड़ लेते उसको अब देखो सवाल वट वॉज वाली टाइम क्या लिखोगे व्हाट वॉज फेवरेट पास टाइम इस सवाल का जवाब क्या लिखोगे जल्दी बताओ इस सवाल का जवाब क्या लिखोगे आई एम वेटिंग फॉर यू गाइस इस क्वेश्चन का आंसर बताओ देखते हैं बच्चे बताते हैं कि नहीं एक बच्चा डाउट पूछ रहा था डैम्पनिंग रवि प्रजापति सॉरी यार कई देर से पूछ रहा तू मैं किसी और चीज में ध्यान था जैसे बच्चों के बाकी डाउट्स में डैम्पनिंग मतलब थोड़ा गीला कर देना मेक स्लाइटली वेट थोड़ा ना ज्यादा स्ट्रांग ना होना उसको डैम्पनिंग कहते हैं ओके ग्रेट गोइंग हाँ वॉचिंग एट द स्ट्रीट

ये वाली बात जरूर यूज करना हसल वसल वाली ठीक है हो जाएगा अगला सवाल पूछूं अभी के लिए बताओ अभी तक का मामला ठीक है तुम लोगों में जोश ठीक है तो बताओ हाउ इज द जोश थम्स अप दे दो मुझे ताकि मैं आगे बढ़ सकूं टू सी देखा सपना कुमारी फंसे ना आप बस को देखना नहीं पूरा जनरली वो एक घंटे में क्या सिर्फ तभी बाहर जाती थी तब बस आती थी नहीं ना बाकी टाइम पे भी वो गली में देख रही होती थी इसीलिए मिस्टर राकेश एक्सट्रीम का क्या मीनिंग है टू मच करना किसी चीज में कुछ लोग होते हैं गुस्सा होता है तो बहुत हो जाता है कूल होते हैं तो बहुत ही कूल होते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम मतलब टू मच यस चलो बढ़िया भाई असल बसल याद रहेगा मेरे बच्चा लोगों को हाय बोल रहे हैं चलो फिर थम्सअप भी आ चुका है अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और इस सवाल में ना जाना

हर एक घंटे में नई दोबारा बस आ जाना उसमें नए नए लोग भर के आ जाना उसको काफी मजेदार और अच्छा लगता था है ना तो यही बात हम लिख देंगे वाली एंजॉयड एंजॉय द बस एंड इट्स न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स एवरी टाइम इट क्रॉस विलेज इट गेव हर एंडिंग जॉय कभी ना खत्म होने वाली खुशी उसे मिली और उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर क्या थी टू ट्रेवल इन द बस है ना अपने गांव से टाउन जाकर वो वापस आए ट्रैवल करे ये उसकी इच्छा थी आई बात समझ में लिख लोगे ना पेपर में बहुत ही बढ़िया ग्रेट गोइंग डाउट का मीनिंग बताया तो सही बेटा ध्यान से संभल कर कोई ना एडवेंचर करके आना कॉशियसली संभल के बहुत ही बढ़िया एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे ये भी मैंने बता दिया आ सकता है बेटा ये टू मार्क क्वेश्चन आ सकता है इसीलिए पूछा है ठीक है कर लोगे ना काम चलो बहुत ही बढ़िया मुझे खुशी है कि तुम ऐसे शॉर्ट में आंसर दे पा रहे हो पर एग्जाम में कैसे लिखना है यह भी मैंने बता दिया है चलो भाई पांच सवाल है टोटल अब हम आ चुके हैं तीसरे सवाल पर डिड फाइंड आउट अबाउट बस जर्नी हाउ डिड यू फाइंड आउट दिस डिटेल्स अच्छा सवाल है और सारी डिटेल जो मैंने तुमसे तो पूछी थी वही लिख ली है यहाँ पे उसने क्या किया था बेटा डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछे थे डिस्क्रीट क्वेश्चन पूछे थे किससे पूछे थे नेबर्स से पूछे थे उनसे उसको पता चला क्या पता चला 45 मिनट्स की जर्नी है सिक्स माइल्स की दूरी है और और और, और हाँ थर्टी पाइस एक तरफ के लगते हैं तो टोटल सिक्सटी पाइस लग जाएंगे आने जाने के ये सारी बातें उसे लोगों से सवाल पूछने पर नेबर से आस पड़ोस के लोगों से पूछने पर तो पता चली थी ये, ये बात लिख देंगे हम है ना यस बहुत ही बढ़िया से पूछ के उसे पता चल जाएगा अकेले अपने आप को डील कर रही है हैंडल कर रही है और जा रही है मतलब उसने ना मैडम वर्ड यूज किया था कंडक्टर ने तो मैडम राइट था बस आ गया फिर इसलिए ओके यस okay, yes. बच्चे बोलते आई नो मैम आंसर बहुत ही बढ़िया यही बातें लिख लेंगे हम लोग पेपर में पहले लिखेंगे

डिस्क्रीट भी लिख सकते हो बात एक ही है ओके हियर एंड देन इन ऑर्डर टू एनहेंस हर नॉलेज अबाउट द जर्नी उसने अपनी जर्नी की नॉलेज बढ़ा ली चलो अगले सवाल की ओर चलते हैं भाई चले यस yes. डिस्क्रीट मतलब केयरफुल बेटा यस नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डू यू थिंक वाज वाली प्लानिंग टू डू वल्ली ये जो लोगों से इधर उधर की बातें निकलवा रही थी बस के बारे में क्या इच्छा थी उसकी एक दिन बहादुरी से हिम्मत मार के धीरे से भाग लेना निकल लेना और बस राइड करके आ जाना तो बेटा ये लिखोगे कि तुम वन टू फोर पीएम के ड्यूरेशन में अपने लेके ये बस राइड पे जाने वाली थी यही थी ना इसकी प्लानिंग इसका मिशन मिशन क्या था बस राइड मिशन क्या था बस राइड तो यही वाली बात लिख डालेंगे हम लोग है ना यस Was secretly, but secretly भागने का इरादा था टू हर डिजायर ऑफ ट्रेवलिंग बाई का इरादा था ना वली का ऐसे yes, ऐसे लिख देंगे पेपर में बहुत ही बढ़िया कौशर आलम आप बात ठीक कह रहे हो पर ठीक से कहो शी ऑल्स इन बस राइड समझ नहीं आई बात थैंक्स फॉर टूडे कह रहे लवी प्रजापति ओके okay? सो माय डियर स्टूडेंट आखिरी सवाल फिर थैंक यू बोलना मुझे आखिरी सवाल किंग कल्याण बहुत बढ़िया वेंचर डाउट का मीनिंग बताया मैंने भी बताया बेटा कॉशियसली कॉशियसली एक सफर को तय करना आखिरी सवाल आया है ओ बच्चों आखिरी सवाल आ गया है चलो आखिरी सवाल आज का नंबर well, स्लाइड आ चुकी है द कंडक्टर कॉल वली मैडम वो सवाल जो तुमने पूछा उसका जवाब अब देना पड़ेगा <laughs> मैंने भी दे दिया था वैसे हम्म hmm. आप कभी किसी चीज की राइड के लिए एक्साइटेड हुए हाँ जब फर्स्ट टाइम फ्लाइट में चढ़ते हैं तो एक बार तो होता ही है यार कैसे होगा हम ऊपर दूर चले जाएंगे होता ही हम्म और मुझे एक बार उसका बड़ा मन है वो नहीं होता आसमान में पैराग्लाइडिंग वगैरह करते हैं स्काई डाइविंग करते हैं वो बहुत सारे स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज होती हैं वो भी करके देखनी अभी तक की नहीं है मैंने वैसे हम्म हार्डी गौरव ने मिस कर दिया कोई नहीं बेटा रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना नेक्स्ट लेक्चर कब है नेक्स्ट लेक्चर का तो ऐसा सरप्राइज दे डालूंगी ना तुम खुशी में पागल ही हो जाओगे इतने पागल हो जाओगे मैं बता भी नहीं सकते कितने पहले इस सवाल का जवाब पहले इस सवाल का जवाब यस छुट्टी दे देंगे दे देंगे। इस सवाल का जवाब तो दो आठ साल की बच्ची एक एट इयर्स ओल्ड ट्रैवल कर रही है इंडिपेंडेंटली ट्रैवल कर रही है तो यार बड़ी बात है रे ओके वेल वाली, पूरी तैयारी के साथ पैसे पॉकेट में डाल के टिंग निंग 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 लिख ली है लड़की हिम्मत वाली ओके okay, कोई उसको बच्चा बोलता था, उसको बड़ा बुरा लगता था और जोकिंग था, था तो उसने ऐसे बोल भी दिया मैडम बोल ओके okay? ना अपना ख्याल खुद रख सकती थी इसीलिए yes. बहुत ही बढ़िया अरे चलो भाई बहुत बढ़िया तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को आंसर किया है सो so, आज का सरप्राइज सुनो भाई तुम लोग पूछ रहे हो ना कि आगे क्या है अगली क्लास कब है सुनो अगले हफ्ते हम दो बार मिलेंगे अगले हफ्ते हम दो बार मिलेंगे एक बार केमिस्ट्री के लिए एक बार इंग्लिश के लिए केमिस्ट्री में क्या होगा मैम आपने तो कार्बन कंपाउंड भी पढ़ा लिया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी पढ़ा लिया तो फिर अब क्या तो बच्चों कार्बन एन कम्पाउंड के सवालों का पिटारा लेकर मैं आने वाली हूं ट्यूजडे को गेट रेडी टू फाइट दंगल के लिए तैयार हो जाओ सवाल मेरे जवाब आपके गलत जवाब को सही करेंगे और सही जवाब के मजे लुटेंगे सो येस वी विल बी हैविंग ए क्लास ऑफ केमिस्ट्री ऑन ट्यूजडे ओके okay. और हाँ फ्राइडे को तो हम मिल ही जाएंगे इंग्लिश के लिए फ्राइडे को हम मिलने ही वाले हैं इंग्लिश के लिए और अब आप पूछोगे मैम यहाँ का यहाँ के क्वेश्चन okay. yes. और इंग्लिश में बेटा जो लेसन होने वाला है पोएम होगी वो होगी द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन वाली मस्त मजा आएगा मस्त पोएम है वो द टेल ऑफ कस्टर्ड वाली ठीक है कस्टर्ड की कहानी पूजा मैम के जुबानी होने वाली है So, कैसा लगा मेरा सरप्राइज यू ग्रेट गोइंग। एक घंटा कंप्लीट हो गया बिल्कुल भाई मुझे तो पता ही नहीं था तुमने बताया मुझे तो अच्छा सरप्राइज है बच्चे कह रहे हैं चलो इसी सरप्राइज को इसी पॉजिटिव एटीट्यूड को यही करते हुए हाड़ी गौरव कह रहे हैं है। मैम सेशन ओवर मत कीजिए पूरी नाइट रखे में जान बाकी होनी चाहिए कि नहीं आपके लिए आगे की प्लानिंग करने के लिए थोड़ी हिम्मत दो रहने दो ना यार हम जाएंगे तभी तो वापस आ पाएंगे हम्म यस थैंक यू थैंक यू टू एवरीबडी ग्लिम्स फिर से करा दीजिए करा तो दिया ग्लिम्सिस ऑफ इंडिया करा रखा है देख लेना लेक्चर तीनों पार्ट ओके okay, बच्चा yes. कह रहा है सरप्राइज कैसा लगा आपकी तरह मस्त लगा नाइस टू हियर दैट बेटा वेरी गुड प्लीज सिंग अ सॉन्ग कौन सा गाना चाहिए आपको हुँ? इस लेसन के हिसाब से बात करते हैं गाना की बात करते हैं आशा है आशा है अच्छा गाना था रही है थोले दिल की अब मुश्किल नहीं कुछ भी नहीं कुछ भी एक बार मन में कुछ करने की आशा जाग जाए ना बेटा तो मुश्किल कुछ नहीं है इसने भी तो कर दिखाया इसकी जो इच्छा थी जो आशा थी देखा जाए तो आठ साल की बच्ची के हिसाब से ज्यादा ही थी फिर भी मुश्किल नहीं था इसके लिए कुछ भी इसने कर दिखाया अनहोनी को होनी कर दे होनी को अनहोनी एक बार जो जाग जाए इच्छा मन में अच्छी और बड़ी यस अगर मन में इच्छा जाग जाए और स्ट्रॉन्ग डिजायर वो बन जाए तब अनहोनी को होनी कर सकते हैं हम सो आई होप डियर स्टूडेंट हम भी कर दिखाएंगे अनहोनी को होनी एंड यस पूजा मैम है साथ तो फिर डरने की क्या बात मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल मस्त तरीके से पढ़ाई करेंगे सारा काम कर डालेंगे खुशी खुशी पेपर देंगे और रिजल्ट तो थोड़ी देंगे सब लोग हम लोग ओके okay. सो so जसिका सिर्फ आपके लिए ले जाए जाने कहा हवाए हवाए हम्म हम्म कहा ना मुझको खबर ना तुझे को पता कहाँ जाना है जिंदगी में पता तो नहीं पर कुछ अच्छा कर दिखाना है ये जरूर पता है सो so, आई होप इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हम आगे बढ़ते रहे मेहनत करते रहे एंड यस yes, कोई और वर्ड डिफिकल्ट लगे तो मिल जाएगा रे टेक्स्ट बुक में मीनिंग्स लिखे हुए होते हैं ठीक है so, सो चलिए फिर मिलते हैं ट्यूजडे को तब तक के लिए दुआओं में याद रखना खुश रहना मेहनत करते रहना और हल्के में मत लेना डोंट फील योर सेल्फ आर लो अपने आप को कम मत पूरी मेहनत करिए ताकि लोग आपको उस ऊंची नजर से देखें ना कि ऐसे दे ओके सो इस लेवल की मेहनत करेंगे हम लोग सो so, तुम्हारी झलक अशर्फी है यार तुम्हारे लिए तो मैं क्या ही गाना गाऊ हाँ तेरी झलक अशरफी श्रीवल्ली तेरी झलक अशरफी so, बस भाई बहुत गाना वाना हो गया मिलेंगे ट्यूसडे को तब तक के लिए बाय बाय